welcome to Scooledge Academy subscribers. और जिन्होंने subscribe नहीं किया है, subscribe कर लें। अभिनंदन दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल इंडिया वेबसीरीज और हम डिस्कशन करेंगे आधार कार्ड में आपका जो डेटा है उसमें आप काफ़ी डेटा है जिसको आप विदाउट सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट, बिना किसी डॉक्यूमेंट के सबमिट किए हुए आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन या सेव आधार सेवा केंद्र में जाकर। तो वो कौन कौन सी डिटेल है जिसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये कौन कौन सा डिटेल है जिसको आप विदाउट सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लैंग्वेज और जेंडर, इन चार चीज़ों को आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। आप सिंपली रिक्वेस्ट करेंगे ऑनलाइन, मतलब सबमिट करेंगे और आपको ये अपडेट डेल अपडेट हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप आधार सेवा केंद्र में जा रहे हैं तो आपका फोटोग्राफ, जो आपका उसमें फोटो लगा होता है, बायोमेट्रिक्स जैसे आपकी उंगलियों के निशान और आपके आँखों की डिटेल, और जेंडर का हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए आपके आधार कार्ड में किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी हमारी पेशकश कि आप विदाउट सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स, आप किसी भी तरीके के बिना डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए आधार में आधार कार्ड में अपनी डिटेल सबमिट कर अपडेट करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर कोई भी सजेशन हो फीडबैक तो अवश्य सब्सक्राइब करना।